हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2.0 भर्ती परीक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें। वीडियो को पूरा देख के चले जाते हैं आप लोग, लाइक भी नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, आज बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर दो महत्वपूर्ण खबरें हैं दोस्तों, और आप सभी के लिए ये अच्छी खबर भी है, खासकर सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए। बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए में दो आवेदन हो रहे हैं, एक प्राइमरी लेवल का भी हो रहा है की अंतिम तिथि 25 तारीख है, और एक आपको पता है कि 6 to 8 वाला भी हो रहा है, जूनियर लेवल का भी, जिसकी भी आवेदन की तिथि 25 नवंबर अंतिम तिथि है। इसके साथ साथ दोस्तों, आवेदन को लेकर पेमेंट में समस्या आ रही है बहुत सारे छात्रों का। डेट बढ़ाने की मांग की जा रही है, डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसमें भी आपको वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आप सीटेट अपेयरिंग है, आप बीपीएससी टीआरई 2 में आवेदन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि जब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी तब तक कोई भी राहत की सांस नहीं मिलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी को पता है कि आप सीटेट का फॉर्म डालें तो सीटेट पास करना इस बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर सीटेट अपेयरिंग वाले बच्चे ही देख रहे होंगे, तो सीटेट पास करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। तो भर्ती के साथ साथ आपको सीटेट पे भी ध्यान देना होगा ताकि इसी अटेम्प्ट में आपकी परीक्षा पास हो जाए। अगर आप मार्केट में अवेलेबल बुक्स और क्लासेस से ही आप सोच रहे हैं कि केवल हम पास हो जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप खुद आप जिन लोगों ने 2-3 बार में अटेम्प्ट में पास नहीं किया, आप उनसे पूछ लो, उन्होंने यही कहा होगा कि हम मार्केट से बुक लेकर आए, उससे पढ़े हैं। भैया, जब तक आप नोट्स नहीं फॉलो करोगे, जब तक आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करोगे, जब तक आप थ्योरी अच्छे से नहीं समझोगे ना, तब तक आप परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। हमारे द्वारा सीटेट एग्जाम के लिए नोट्स तैयार किया गया है बेस्ट टीचर और बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा। पेपर 1 का भी नोट्स मिल जाएगा आपको, पेपर 2 का भी मिल जाएगा। दोनों नोट्स की खासियत है कि दोनों में थ्योरी भी बहुत फोकस किया गया है, चाहे वो CDP हो, चाहे वो EBS हो, चाहे आपका SST हो, चाहे वो साइंस मैथ हो। आपको पेपर 2 में जिसको साइंस मैथ का चाहिए उसको साइंस मैथ का मिल जाएगा, जिसको SST का चाहिए उसको SST का मिल जाएगा। पेपर 1 में जिसको संस्कृत का चाहिए संस्कृत मिल जाएगा, हिंदी का चाहिए हिंदी का मिल जाएगा, इंग्लिश का चाहिए इंग्लिश का मिल जाएगा। यानी सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ कर दिया गया आपके लिए, और बहुत ही किफायती, बहुत ही कम कीमत में। मार्केट से जो बुक लेकर आओगे उसके आधी भी कीमत आपसे नहीं ले रहा हूं, मात्र 199 रुपीस में पर पेपर। जो भी आपको लेना है मात्र 199 रुपीस में मिल जाएगा। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। पेपर 1 का नोट्स या पेपर 2 का, आप कोई भी लो, 199। अगर आप दोनों DLED के छात्र हो, दोनों फॉर्म डाले हो, तो दोनों पेपर का नोट्स चाहिए, तो 299 रुपीस कॉम्बो ऑफर चल रहा है। तो आप लोग नोट्स के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले सकते हो, वहां पर आप सैंपल भी देख सकते हो नोट्स का, तो मैसेज करके जानकारी ले लीजिए। और भैया, इससे तैयारी कर लो, 1000-1200 रुपये का फॉर्म भर रहे हो, उसके बाद आप बीपीएससी में भी शामिल हो रहे हो, तो भैया सीटेट तो पास करना बहुत आवश्यक है ना, तो 200 रुपये और खर्चा करो ताकि आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएँ और सही दिशा में आप तैयारी कर सको। लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं नोट्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2.0 भर्ती परीक्षा के लिए जो रजिस्ट्रेशन चल रहा था वो मात्र 17 तारीख तक चला, और 16 और 17 तारीख में डेट में वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा रस था वेबसाइट पे, और वेबसाइट के पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने की वजह से बहुत सारे छात्रों का पेमेंट नहीं हो पाया। सर्वे के मुताबिक पता चला है लगभग 40,000 बच्चों का पेमेंट नहीं हो पाया है, जबकि वो पात्रता भी रखते थे, वो सीटेट अपेयरिंग की नहीं, वो सीटेट पास भी थे, वो पात्रता भी रखते थे, वो 17 तारीख तक आवेदन भी कर सकते थे, लेकिन जो साइट थी बहुत ज़्यादा रश था, उस पर साइट क्रैश कर रही थी, इसके वजह से पेमेंट नहीं कर पाए। और आप सभी को पता है जिन्होंने 17 तारीख तक पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर दिया था, वही केवल 25 तारीख तक बाकी का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे अटक गए हैं जो पात्रता रखते थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए। ऐसे लगभग 40,000 छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। पहले तो पिछली बार जब भर्ती आई तो बहुत सुनवाई हो रही थी, एकदम एक नया एग्जाम्पल सेट किया था बीपीएससी ने कि हर बच्चे की सुनवाई हो रही थी, लगातार ट्वीट कर रहे थे, जो भी समस्या आ रही थी उसका तुरंत समाधान कर रहे थे बच्चों का, ठीक है, डेट बढ़ा दे रहे थे, हर चीज़ के लिए फैसिलिटी दे रहे थे। इस बार पता नहीं क्यों बच्चों की नहीं सुनी जा रही है, ठीक है। तो 40,000 लगभग बच्चे जो पात्र हैं, जो आवेदन कर सकते हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। उनके लिए जब 25 तारीख तक आवेदन चल रही है, विंडो खुला हुआ है, तो भैया रजिस्ट्रेशन का भी विंडो खोल दो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। कम से कम वो जिनका पेमेंट नहीं हुआ वो पेमेंट तो कर सकते हैं। तो ऐसे कितने छात्र हैं इनको पेमेंट की समस्या आ रही है, कमेंट में बताइए कितने छात्र चाहते हैं कि आवेदन की तिथि या रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़नी चाहिए, कमेंट में लिख के जरूर बताना। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बीपीएससी की दो भर्तियाँ चल रही है, 6 to 8 और 1 to 5 के लिए, दोनों के लिए आवेदन 25 नवंबर तक चल रहा है। और आप सभी को पता है कि इन दोनों में जो सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को शामिल नहीं किया गया है, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे वो जूनियर का हो, दोनों में शामिल नहीं किया गया है सीटेट अपेयरिंग को। जबकि आप लोग देख सकते हैं जो पिछली प्राइमरी की वैकेंसी आई थी उसमें जुलाई में सीटेट देने वाले भी हो सकेंगे शिक्षक भर्ती में शामिल। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बताया भी गया था कि जुलाई में होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है। आगामी सीटेट दे रहे अभ्यर्थी इस शर्त के साथ शामिल होने की अनुमति दी जा रही है कि आयोग की ओर से निर्धारित अंतिम तिथि तक उनका परीक्षा फल प्रकाशित हो जाए। तो भैया इसी तरीके से जैसे पहले मौका दिया गया था, इसी तरीके से इसी शर्त के साथ में कि हम आपको मौका तो दे रहे हैं सीटेट अपेयरिंग को, चाहे वो प्राइमरी हो, दोनों को देना चाहिए। प्राइमरी की वैकेंसी चल रही है उसमें भी सीटेट अपेयरिंग को शामिल करना चाहिए, जूनियर की वैकेंसी जो चल रही है, जो आवेदन चल रहा है उसमें भी सीटेट अपेयरिंग जो जनवरी 2024 में शामिल होने जा रहे हैं बच्चे सीटेट परीक्षा में, उनको भी मौका देना चाहिए और इस शर्त पर दे देनी चाहिए जिस तरीके से आपने पहले शर्त रखी थी कि हमारी जो अंतिम तिथि है रिजल्ट की उससे पहले आपका सीटेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तो ही हम आपको आगे प्रोसेस में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस शर्त पे जारी करने में क्या दिक्कत है? पहले तो आप बहुत सुनवाई कर रहे थे, पहले आपने बच्चों को मौका दिया, आपने ही खुद रास्ता दिखाया, आपने ही ये ऑप्शन भी रखा कि हाँ इस ऑप्शन यानी इस शर्त के साथ हम सीटेट अपेयरिंग को भी ले सकते हैं, तो वो शर्त कहाँ गया? उस शर्त के साथ आप फिर से सीटेट को क्यों नहीं शामिल कर रहे हो? भैया प्राइमरी में भी बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा है, लगातार कॉमेंट कर रहे हैं, लगातार धरना दे रहे हैं कि प्राइमरी में भी सीटेट अपेयरिंग को शामिल किया जाए। जूनियर में भी लगातार बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सीटेट अपेयरिंग को मौका दिया जाए। कितने छात्र भैया सीटेट अपेयरिंग की मांग कर रहे हैं? कमेंट में लिख के जरूर बताओ। कम से कम आप कमेंट के माध्यम से, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हो। आप बिहार नहीं जा सकते हो, आप रोड पे नहीं उतर सकते हो, आप विभागों के सामने आप ज्ञापन नहीं दे सकते हो, तो कम से कम आप बच्चों का हौसला अफजाई करो। हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है, लोगों के द्वारा जो टीचर्स जो आगे हैं, जो आपके मुद्दे को बार बार रख रहे हैं, आपके मुद्दे को लगातार चर्चा में ला रहे हैं, उनकी भी तो मदद की जाए, उनको भी तो आगे बढ़ाया जाए, वीडियो को शेयर किया जाए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखो कि सीटेट अपेयरिंग को मौका दिया जाए। तो भैया प्राइमरी और जूनियर जब तक आवेदन प्रक्रिया चल रहा है तब तक आप लोग आवाज़ उठा लो। अगर डेट बढ़ा, अगर परीक्षा तिथि बढ़ी, अगर ये मान लो जैसे जूनियर के एग्जाम्पल ने अगर दिसंबर में परीक्षा नहीं करा पाए ये और ये फरवरी में परीक्षा लेकर गए, तो भैया आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांस मिल जाएगा कि आपको अपेयरिंग में मौका दिया जाए। लेकिन कब? ये पहले ही जब आप आवेदन प्रक्रिया के बीच में ही आप ये चीज़ें बातें अपने रखते रहो। ठीक है, तो ये मौका दिया गया था आपके सामने, ये देखिए पेपर था। ठीक है, जुलाई में सीटेट देने वाले भी हो सकेंगे शिक्षक भर्ती में शामिल। तो भैया इस बार जनवरी परीक्षा में जो शामिल हो रहे हैं उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? ये भी यही शर्त रख दिया जाए जो शर्त रखा गया था कि भैया हमारा अंतिम तिथि जो रहेगा रिजल्ट का उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो ही हम आगे प्रोसेस में लेंगे आपको, है ना। आप लोग अगर हमारी बात से सहमत है तो भैया कॉमेंट में लिखें कि सीटेट अपेयरिंग को मौका मिलना चाहिए, या रजिस्ट्रेशन के लिए जो बच्चे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो भी लिखें कि सर मेरा पेमेंट नहीं हुआ, कितने लोगों का पेमेंट या फॉर्म नहीं भर गया है, कमेंट में लिख के बताइए। और आप लोग फॉर्म डेट बढ़ाने की भी मांग किया जाए। हालांकि फॉर्म की डेट बढ़ाई जा सकती है क्योंकि अभी 25 तारीख तक आवेदन चल रहा है और और जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, जिनका पेमेंट नहीं हो पाए, जो पात्र हैं कम से कम उनके लिए तो डेट बढ़ी जानी चाहिए, रजिस्ट्रेशन का विंडो खोल देना चाहिए, पेमेंट का विंडो खोल देना चाहिए। क्या समस्या है ना? तो ये चीज़ें भैया आप लोग लगातार अगर कमेंट करते रहेंगे, ट्वीट करते रहेंगे तो हालांकि हो जाएगा, चीज़ें चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन सीटेट अपेयरिंग के लिए भैया लगातार आपको प्रदर्शन, लगातार आपको मांग करते रहने पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगी भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीटेट परीक्षा भी फोकस करते रहो। ऐसे नहीं सिर्फ मांग करते रह गए, अंत में आपकी मांग पूरी भी कर दी गई, सीटेट अपेयरिंग को शामिल भी कर लिया गया और पता चला आपने अपना वक्त बर्बाद कर दिया, सीटेट की तैयारी ही नहीं की और सीटेट में जाकर फेल हो गए, तो फिर क्या फायदा हुआ आपको सीटेट में अपेयरिंग में लेने का। भैया सीटेट पे भी फोकस करते रहो, सीटेट इसी बार में पास करना है आपको। ठीक है, तो भैया डीएलएड वाले या बीएड वाले जिनको पेपर 2 चाहिए उनको पेपर 2 मिल जाएगा सिर्फ, डीएलएड वालों को पेपर 2 चाहिए तो दोनों 299 रुपये में मिल जाएगा। तो मैसेज करके नोट्स ले लो और नोट्स से तैयारी करो भैया। किताब ले आए कोई बात नहीं, किताब से थोड़ा बहुत पढ़ लो लेकिन नोट्स को फॉलो करो। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं लोगे तो भैया कम समय अच्छी तैयारी कर पाओगे और सटीक जो आपके एग्जाम में आएगा या थ्योरी आप नहीं समझ पाओगे तो भैया आपको क्वेश्चन टफ ही लगेंगे। तो इस नंबर में मैसेज करके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे बीपीएससी की आने वाली जो भी खबरें आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें।